हेलो, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है जनरल डिफेंसेस। जब प्लेंटिफ डिफेंडेंट के अगेंस्ट किसी भी पर्टिकुलर टॉर्ट के लिए एक्शन लेता है और अगर वो उस टॉर्ट के सारे असेंशियल एलिमेंट प्रूफ कर दे कोर्ट में, तो क्या होता है? डिफेंडेंट लाइबल हो जाता है, ठीक है। बट अगर डिफेंडेंट भी अपनी लाइबिलिटी को अवॉइड करना चाहता है तो उसे क्या करना होगा? डिफेंडेंट को अपने बचाव में कुछ दलीलें देनी होंगी। डिफेंस ले सकता है ये भी, ठीक है, अपनी लाइबिलिटी को अवॉइड करने के लिए ये भी डिफेंस ले सकता है। तो देखिए, कुछ तो होते हैं स्पेसिफिक डिफेंसेस। स्पेसिफिक डिफेंसेस हमने देखा डेफोमेशन में थे ना कुछ डिफेंसेस, ठीक है, और कुछ डिफेंसेस हमने देखे न्यूसेंस के अंदर। इसमें तीन थे, इसमें दो थे। तो जो डिफेंसेस इनमें यूज़ करे गए हैं वो क्या है? वो है स्पेसिफिक डिफेंसेस, और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जनरल डिफेंसेस की। स्पेसिफिक डिफेंसेस वो, यानी न्यूसेंस के सिर्फ उसी के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, और डेफामेशन में जो दिए गए हैं डिफेंसेस वो उसी के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। जबकि जनरल डिफेंसेस जो होते हैं वो नंबर ऑफ रॉन्ग्स के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे कि ट्रेसपास के लिए, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के लिए, इवन डेफामेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे जनरल डिफेंसेस। आज जो हम जनरल डिफेंसेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे 8 जनरल डिफेंसेस हैं। ये जो देखे थे ये थे स्पेसिफिक डिफेंसेस जो इनसे रिलेटेड हैं और इन्हीं के साथ डिस्कस कर लिए गए हैं। आज जो हम बात कर रहे हैं जनरल डिफेंसेस की, जो नंबर ऑफ रॉन्ग्स में हम देखते हैं, मतलब यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डिफेंसेस। ये हैं हमारे जनरल डिफेंसेस, जिसमें फर्स्ट है वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया, फिर प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर, इनएविटेबल एक्सीडेंट, एक्ट ऑफ गॉड, प्राइवेट डिफेंस, मिस्टेक, नेसेसिटी एंड स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। इन्हें हम डिटेल में देखेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट, यानी वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया से। तो शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया। वॉलेंट्री का मीनिंग होता है वॉलेंटरली, और इंजूरिया का मीनिंग होता है इंजरी। अगर जब एक पर्सन अपनी कंसेंट देता है किसी भी हार्म के लिए, तो भाई टॉर्ट में उसके पास कोई रेमेडी नहीं बचती है, ठीक है। किसी केस में अगर जो प्लेंटिफ है अगर अपनी कंसेंट दे देता है वॉलेंटरली किसी भी हार्म को सफ़र करने के लिए, तो फिर उसको अलाउड नहीं है कि वो कंप्लेंट करे, ठीक है। उसको अलाउड नहीं है कंप्लेन करे, क्योंकि ये माना जाता है कि एक पर्सन जो अपना राइट अबेंडन कर चुका है वो उसको दोबारा से एनफोर्स नहीं करा सकता। तो प्लेंटिफ की कंसेंट जो होगी वो क्या होगी? डिफेंस होगी। किसके लिए? डिफेंडेंट के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल लगाते हैं, ये ए पर्सन बी को अपने घर पे इनवाइट करता है, ठीक है, और बी जो है वो इसके घर पे आ जाता है। तो यहाँ पे ये ट्रेसपास नहीं है, ए यहाँ पे बी के अगेंस्ट ट्रेसपास का सूट फाइल नहीं कर सकता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर कोई पोस्टमैन आता है, एग्जाम्पल ये ए पर्सन है और इसका ये घर है, यहाँ पे ये पोस्टमैन आता है। अब भाई इसका तो काम है, ठीक है, इसकी ड्यूटी है, ये ड्यूटी कर रहा है सिर्फ अपनी। पोस्टमैन यहाँ पे आता है गेट तक और थोड़ा सा अंदर आ जाता है और आपके हाथ में लेटर जो है वो दे देता है, ठीक है, नोटिस लेटर जो भी। तो ये भी ट्रेसपास नहीं है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे जब एक पर्सन कंसेंट दे देता है, यानी वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया में अगर पर्सन कंसेंट दे देता है किसी भी हार्म के लिए, तो फिर उसके पास कोई रेमेडी नहीं बचती है, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, ए जो पर्सन है वो एक सर्जन है। अब इन्होंने ऑपरेशन करना है एक्स का, तो इनके जो भी रिलेटिव्स वगैरह हैं, जो भी घर वाले हैं, साइन कर देते हैं कि ठीक है आप ऑपरेशन कर दीजिए, ठीक है। अब जो एक्स है इसका ऑपरेशन हो जाता है, तो यहाँ पे सर्जन के ऊपर किसी तरीके का सूट फाइल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि रिलेटिव्स ने ही खुद क्या किया था, एक्सप्रेसली कंसेंट दी थी। देखो, कंसेंट दो तरीके की हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है और एक्सप्रेस भी हो सकती है। एक्सप्रेस देखिए, एक्सप्रेस का यहाँ पे कंसेंट दी थी इस एक्ट के लिए, तो ये एक्सप्रेस है। यहाँ पे इनवाइट किया था तो ये एक्सप्रेस कंसेंट हो गई। बट जैसे गेम्स वगैरह होते हैं ना, जैसे आप कोई भी गेम देखने गए, आप लगा लीजिए कि आप स्टेडियम में चले गए, ठीक है, आप क्रिकेट स्टेडियम में चले गए लगाइए, तो वहाँ पे आपको पता है कि बॉल जो है वो ऑडियंस में चली जाती है और लग भी जाती है। हो सकता है सर पे लग जाए या फिर कहीं भी लग जाए, इंजरीज हो सकती हैं, आपको अच्छे से पता है।
फिर भी आप टिकट परचेज करके अगर जाते हो और आपको किसी तरीके की इंजरी हो जाती है तो आप उस क्रिकेटर पर सूट फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे आपकी कंसेंट तभी मिल गई है उन्हें जब आपने टिकट परचेज करी, ठीक है। जैसे एक केस देखते हैं, यूजुअली सबको पता होता है कि भाई गेम्स जो होते हैं, चाहे वो क्रिकेट है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, कुछ भी है, अगर आप एक प्लेयर हैं, आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहाँ पे आपको इंजरी हो जाती है, तो यूजुअली सबको पता है कि भाई जो स्पोर्ट्स का जो इनहेरेंट नेचर होता है वो ही होती है इंजरी, मतलब चोट लगनी बिल्कुल लाजमी है, लग सकती है, सबको पता है, ठीक है। तो एक केस था हमारे पास, केस भी नहीं रियलिटी है, 2014 में एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर की डेथ हो गई थी क्योंकि उनके सर पे जो है वो मैच के दौरान क्या लग गई थी, एक बॉल लग गई थी, ठीक है। तो क्या यहाँ पे केस फाइल हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि क्रिकेट खेल रहे थे तो उस क्रिकेटर के अगेंस्ट कोई सूट फाइल नहीं किया गया जिसने बॉल को हिट किया था, क्योंकि क्या अप्लाई होता है, अप्लाई होता है वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया। यहाँ पे जिस क्रिकेटर ने बॉल को हिट किया था वो लॉफुली खेल रहा था, ठीक है, और स्पोर्ट्स का नेचर ही होता है इंजरी, तो वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया को देखते हुए यहाँ पे इस क्रिकेटर के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं किया गया, ठीक है। एक केस देखते हैं ऐसा ही, इस केस में क्या हुआ, केस का नाम है हॉल वर्सेस ब्रुकलिन्स ऑटो रेसिंग क्लब, इंपॉर्टेंट केस है, आपको अच्छे से देखना चाहिए इसे। यहाँ पे क्या हुआ, जो प्लेंटिफ था ये मोटर कार रेस देखने गया था, ठीक है, और ये जो मोटर कार रेस हो रही थी ये करवाई थी डिफेंडेंट ने, ये ब्रुकलैंड्स में हो रही थी और डिफेंडेंट ने ऑर्गेनाइज कराई थी, वो जो ट्रैक था वो डिफेंडेंट की कंपनी का था। अब क्या हुआ, लगा लीजिए ये कार है और ये दूसरी कार है, इन दोनों के बीच में कॉलिजन हो गया और जहाँ पर स्पेक्टर्स बैठे हुए थे ये जो कार है उनमें से एक कार उधर की तरफ चली गई, इधर ही प्लेंटिफ बैठा था। अब प्लेंटिफ को इंजरी हो गई, प्लेंटिफ ने सूट फाइल कर दिया कि इनकी वजह से, डिफेंडेंट पर सूट फाइल कर दिया कि मुझे तो इंजरी हो गई है और डिफेंडेंट को लायबल बनाया जाए। तो यहाँ पे कहा गया कि पहली चीज़ तो ये है कि प्लेंटिफ ने इम्प्लाइडली रिस्क ले लिया था इंजरी के लिए, कोई भी पर्सन पहले ही फोरसी कर सकता है, पहले ही उसे पता होता है कि स्पोर्ट्स का जो नेचर होता है, जो स्पोर्ट्स का जो इनहेरेंट होता है वो इंजरी होती है, ठीक है, जिसे ये प्लेंटिफ फोरसी कर सकता था, पहले से पता था उसे, ठीक है। तो जो डिफेंडेंट है वो लायबल नहीं है, यहाँ पे डिफेंडेंट को लायबल नहीं बनाया गया। अगर किसी पर्सन ने, ये एक नॉर्मल चीज़ है, अगर डिफेंस लेना है कंसेंट का, अगर डिफेंडेंट कह रहा है कि भाई प्लेंटिफ ने अपनी कंसेंट दी थी, तो वहाँ पे जो एक्ट हार्म कर रहा है वो बियॉन्ड लिमिट्स नहीं जाना चाहिए उस कंसेंट के, यानी जिस चीज़ के लिए प्लेंटिफ ने कंसेंट दी है वही चीज़ होनी चाहिए, कोई और एक्ट अगर उसे नुकसान पहुंचाता है, चोट पहुंचाता है, तो फिर लायबल होगा डिफेंडेंट, ठीक है। एग्जाम्पल, ए पर्सन ने किसी इस एक्ट के लिए, वन एक्ट के लिए क्या दिए, कंसेंट दिया, बट उसे जो इंजरी हुई है वो टू से हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे डिफेंडेंट वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस जो है वो क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि ए ने, प्लेंटिफ ने सिर्फ इसके लिए कंसेंट दी थी, इसके लिए नहीं दी थी, ठीक है। चलिए अब हम कुछ और चीज़ें देखते हैं, इसी के लिए अगर हमने वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस लेना है, अगर हमारा डिफेंडेंट डिफेंस लेना चाहता है तो उसे कुछ चीज़ें प्रूव करनी पड़ेंगी, और वो चीज़ें हैं, कंसेंट फ्री होनी चाहिए, ये प्रूव करना पड़ेगा डिफेंडेंट को कि प्लेंटिफ की जो कंसेंट थी वो फ्री थी, उसे प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने कंसेंट फ्रॉड से नहीं ली, किसी कंपल्शन में भी नहीं ली, ठीक है, ये तीन चीज़ें उसे प्रूफ करनी पड़ेंगी। तो चलिए अब हम इन्हें भी थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, कंसेंट मस्ट बी फ्री। भाई डिफेंडेंट को प्रूफ करना पड़ेगा, अगर उसे डिफेंस चाहिए, कि प्लेंटिफ की जो कंसेंट ली थी ना, प्लेंटिफ्स कंसेंट जो थी वो फ्री थी। किसे प्रूफ करना होगा? डिफेंडेंट को प्रूफ करना होगा। अगर डिफेंडेंट प्रूफ नहीं कर पाता कि कंसेंट फ्रीली ली गई है तो डिफेंस नहीं होगा। अगर प्लेंटिफ की कंसेंट फ्रॉड से, कंपल्शन से या किसी और मिस्टेकन फैक्ट से ली जाती है तो वो कंसेंट गुड डिफेंस नहीं होगी डिफेंडेंट के लिए, ठीक है। तो भाई क्या प्रूफ करना होगा डिफेंडेंट को? कि जो मैंने कंसेंट ली थी या प्लेंटिफ ने जो कंसेंट दी थी वो बिल्कुल फ्री थी। एक अच्छा सा केस देखते हैं, लक्ष्मी राजन वर्सेस मल्लार हॉस्पिटल लिमिटेड। अब क्या होता है, ये जो फीमेल है ये 40 ईयर्स की एक मैरिड वुमेन है,
जिसकी ब्रेस्ट में इसे कुछ पेन फील हो रहा था, और जब इसने चेकअप कराया तो वहाँ पे लंप मिला। लंप होता है कुछ गांठ की तरह हो जाता है, तो चेस्ट में इसकी में लंप मिला। तो जब इसने सर्जरी कराई, जब इसने ऑपरेशन कराना था, तो लंप का जो इफ़ेक्ट था वो यूट्रस पे बिल्कुल भी नहीं था। मतलब इसका जो यूट्रस था उस पर किसी तरीके का कोई इफ़ेक्ट नहीं आ रहा था, बट स्टिल इसका यूट्रस बिना इसकी कंसेंट के रिमूव कर दिया डॉक्टर्स ने। इसने एक्शन लिया तो डॉक्टर को लायबल बनाया गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे उसकी कंसेंट ली ही नहीं गई थी। यहाँ पे हॉस्पिटल ने जो एक्ट किया था यूट्रस रिमूव करने का, यहाँ पे पेशेंट की कंसेंट ली ही नहीं गई थी, ठीक है, कि उसका यूट्रस रिमूव करना है नहीं करना, उसे तो पूछा ही नहीं गया, उसे तो पता भी नहीं था कि ये लोग मेरा यूट्रस रिमूव कर देंगे, और उसका यूट्रस रिमूव कर दिया गया। तो यहाँ पे हॉस्पिटल को लायबल बनाया गया। अब हम अपना सेकंड पॉइंट देखते हैं कि क्या होगा अगर कंसेंट फ्रॉड से ली गई है। तो जो कंसेंट फ्रॉड से ऑब्टेन करी जाएगी वो रियल कंसेंट नहीं होगी, और वो डिफेंडेंट के लिए गुड डिफेंस नहीं होगी, ठीक है। यानी कि अगर प्लेंटिफ की कंसेंट फ्रॉड से ली गई है तो किसी भी तरीके का डिफेंस डिफेंडेंट नहीं ले सकता है, ठीक है। इसके लिए एक एग्जांपल है हमारे पास, सॉरी केस है, आर वर्सेस विलियम्स। यहाँ पे क्या हुआ, एक म्यूज़िक टीचर था और उसने क्या किया, एक 16 ईयर ओल्ड गर्ल चाइल्ड के साथ इसने क्या किया, इसने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, और बच्ची को ये कहा कि भाई अगर ये एक ऑपरेशन है जिससे आपकी वॉइस इम्प्रूव हो जाएगी, आपकी वॉइस अच्छी हो जाएगी, ये कहकर इस पर्सन ने बच्ची का रेप किया। तो यहाँ पे टीचर को रेप के लिए लायबल बनाया गया, क्योंकि यहाँ पे कंसेंट कैसे ली गई थी, फ्रॉड से ली गई थी। वो सिर्फ एक 16 साल की बच्ची थी, उसे नहीं पता था कि हो क्या रहा है ये, ठीक है। तो इसने इसके साथ फ्रॉड किया था, तो जो बच्ची ने अगर कंसेंट दी भी तो वो किसी और चीज़ के लिए दी, इसने अपनी वॉइस इम्प्रूव करने के लिए दी, इसे नहीं पता था कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंसेंट थी वो फ्रॉड से ऑब्टेन करी गई, तो इसके लिए किसी भी तरीके का डिफेंस नहीं था, इसे यहाँ पे लायबल बनाया गया। अब पॉइंट आता है कंसेंट ऑब्टेन अंडर कंपल्शन। अगर कंसेंट किसी भी ऐसे सर्कमस्टांसिस में ऑब्टेन करी गई है जो कंपल्शन डाल रहा हो पर्सन के ऊपर, उसके पास कोई चॉइस ना छोड़ी गई हो किसी और चीज़ को चूज़ करने के लिए, तो वो भी प्रॉपर कंसेंट नहीं मानी जाएगी, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल आपको कहा गया, क्वेश्चन पेपर दिया गया, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने कंपलसरी हैं, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर ऐसे ही एग्जाम्पल लगाइए कि ये ए पर्सन है और बी पर्सन को कहता है कि तुम्हें इस पेपर पर साइन करना ही पड़ेगा, तुम्हें अपनी कंसेंट देनी ही पड़ेगी, अगर तुम कंसेंट नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे घर पे घर में आग लगा दूंगा, या फिर कुछ भी ऐसा कहा गया इसको, तो ये कंपल्शन डाल के लिया गया है, ठीक है, उस पर दबाव डाल के ली गई है ये चीज़, ठीक है। किसी भी तरीके का प्रेशर हो सकता है, बट अगर कंपल्शन में ऐसा करते हैं, कंपल्शन में ऐसा किया जाता है, तो वो कंसेंट फ्री नहीं मानी जाएगी, ठीक है। यूजुअली ये मास्टर सर्वेंट के रिलेशनशिप में होता है, कई बार होता है ना कि सर्वेंट को ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ती है, या तो वो काम करे या फिर वो अपनी जॉब छोड़ दे, ठीक है, ये भी तो कंपल्शन ही होता है, ठीक है। तो कंपल्शन क्या होता है, एक पर्सन को हम कंपेल कर सकते हैं किसी ऐसी सिचुएशन में, किसी रिस्की वर्क के लिए, जिसमें हम उसके पास कोई भी फ्री चॉइस छोड़े ही ना, उसे करना ही पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए लगाइए, मैंने आपके सर पे गन रखी और कहा या तो तुम एग्रीमेंट साइन कर दो या फिर तुम ऊपर जाओ, ठीक है, तो आपने साइन कर दिया, तो यहाँ पे जो मैंने आपका सिग्नेचर लिया है वो क्या है, वो आपकी फ्री कंसेंट नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ एग्जांपल है, आप ऐसा नहीं सोचना कि ये क्या पढ़ा रही है लड़की। तो कंसेंट ऑब्टेन अंडर कंपल्शन, जो कंसेंट कंपल्शन में ली जाती है, फ्रॉड से ली जाती है, या फ्रीली नहीं ली जाती है, तो वो सारी की सारी कंसेंट गुड डिफेंस नहीं होंगी डिफेंडेंट के लिए, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, नेग्लिजेंस ऑफ द डिफेंडेंट। अब देखिए, अगर डिफेंडेंट ने डिफेंस अवेलेबल करना है, मतलब वो चाहता है कि भाई वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस उसे मिले, तो उसे ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जो एक्ट, जिस एक्ट के लिए कंसेंट दी थी प्लेंटिफ ने, मैंने सिर्फ वही एक्ट किया है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे एग्जाम्पल अगर खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, और पर्सन लॉफली इंजर्ड हो जाता है, मतलब देखिए
ए पर्सन भी हॉकी खेलता है और बी भी हॉकी खेलता है, एक ही ग्राउंड पर खेलते हैं, दोनों अगर लॉफुली खेल रहे थे तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और ऐसी सिचुएशन में अगर इसको इंजरी हो जाए तो ये बी को लायबल नहीं बनाएगा, ठीक है। बी यहाँ पे वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का साइड ले सकता है, डिफेंस ले सकता है। बट अगर ए और बी हॉकी तो एक ही ग्राउंड पर खेल रहे हैं, बट बी अगर अनलॉफुली खेल रहा है या फिर जानबूझकर ए को चोट पहुंचाता है किसी भी बैड इंटेंशन से या किसी भी तरीके से, अनलॉफुली खेल रहा है, जानबूझकर इसको चोट पहुंचा देता है, तो वहां पे इसके पास वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए एक पॉइंट और देख लेते हैं, एक एक्सेप्शन और है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया की, जिसमें प्लेंटिफ अगर अपनी कंसेंट दे भी रहा है, ठीक है, तो भी डिफेंडेंट के पास डिफेंस नहीं होता, वो उन्हें हम बोलते हैं रेस्क्यू केसेस। तो चलिए एक बार हम देखते हैं रेस्क्यू केसेस। रेस्क्यू केसेस फॉर्म करते हैं एक्सेप्शन वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया के लिए। इसे हम एक अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं। केस का नाम है हाइंस वर्सेस हार्वर्ड। इस केस में क्या हुआ, डिफेंडेंट का सर्वेंट था, डिफेंडेंट के सर्वेंट ने क्या किया, दो हॉर्स थे उनको बिना बांधे हुए, किसी चीज़ से बांधा नहीं, उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया। तो एक बच्चे ने क्या किया, छोटा बच्चा था, उसने उन पर पत्थर फेंक दिए, जिसकी वजह से हॉर्स जो है वो बहुत ज़्यादा बोल्ट हो गई। अब जब बोल्ट हो गए तो वो दौड़ने लगे, एक वुमेन की तरफ भागते हुए जा रहे थे और वहीं पर बच्चा भी था। तो एक पुलिस कॉन्स्टेबल जो पास ही के पुलिस स्टेशन में ड्यूटी पर था, तो उसने ये सब कुछ देखा, तो उसने हॉर्सेस को मैनेज करने की कोशिश करी, इनको रोकने की कोशिश करी, और इस कोशिश में क्या हुआ, उसको अपने आप में ही कुछ सीरियस पर्सनल इंजरीज आ गई, कॉन्स्टेबल को काफ़ी ज़्यादा सीरियस पर्सनल इंजरीज आ गई। तो ये मैटर आ जाएगा रेस्क्यू केसेस में, जहाँ पे डिफेंडेंट वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस नहीं ले सकता है, और यहाँ पर इस केस में डिफेंडेंट्स को लायबल बनाया गया था, ठीक है। तो रेस्क्यू केसेस में क्या होता है, बेशक से प्लेंटिफ वॉलेंटरली रिस्क की तरफ बढ़ता है, पर वो किसी और को बचाने के लिए जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफेंडेंट वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया का डिफेंस नहीं लेगा, बट ये ज़रूरी है कि डिफेंडेंट का एक्ट वहाँ पे रॉन्गफुल एक्ट था, ठीक है, डिफेंडेंट का एक्ट वहाँ पे रॉन्गफुल एक्ट था। जैसे यहाँ पे था ना, दो हॉर्सेस अनटाइड छोड़ दिए थे, बच्चे ने पत्थर मारा तो वो ऐसे भागने लग गए थे, तो ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, डिफेंडेंट जो है वो वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस नहीं ले सकता है। आई होप आपकी आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।